यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, फॉक्स लैडर बोलते हैं उसको, उस चीज को। तो हमारे दोनों तरफ इस साइड भी लग गया और इस साइड भी लग गया, हमारा दोनों तरफ लग गया अभी। तो इसका स्पेशली काम क्या होता है? हाय, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं अपने बाइक पे छोटा सा मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं। सो अपने घर में तो इतना टूल्स नहीं है अभी, तो आपको सीधा जाके अपने भैया के गैरेज पे, वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे जो बेल आइकन उसको ऑन कर देना, जो हम जब भी ब्लॉग छोड़ेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए पहले से। सो फिर चले, फिर चलते हैं अपने भैया के पास गैरेज पे, वहाँ पे करेंगे अपना मॉडिफिकेशन। लेट्स गो। पहले हम पहुँच चुके हैं अपने भैया के गैरेज पे, ये देखिए एक्स बाइकर पहुँच चुके हैं फाइनली अभी। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो ये बाइक है इसमें जो हमारे ये बोलते हैं एक्सिल बोलते हैं फ्रंट का, जो ये एक्सिल है यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे, फॉक्स लैडर बोलते हैं उसको, उस चीज़ को। तो क्या है कि हम फॉक्स लैडर जो है उसको मैंने अपना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो ये रहा वो प्रोडक्ट। तो आपको दिखा देना कैसा है क्या कुछ, तो फिर देखते हैं इसका। तो पहले इस चीज़ का अनबॉक्सिंग मैंने घर में कर चुका था देखने के लिए क्या है, तो अभी इसको निकालते हैं बाहर। ये लगता है बहुत से ये R15 में और MT वगैरह में लगता है। सो ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है और ये अपना मेटल में है, या क्या होगा यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे लग गया। अगर इसमें कुछ गाड़ी मतलब कहीं पे गिरा या कुछ हुआ तभी अपना सॉकअप को कुछ डैमेज नहीं होगा, ये अपना संभाल लेगा सब कुछ। तो देखिए ये जिसको R15 में लगाना है तो आराम से लग जाएगा। अभी देखेंगे यानी इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लग गया इसमें तो ये जो यामाहा का लोगो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा स्टिकर लगा देंगे इसमें, कुछ ऐसा कुछ स्टाइल फाइल लगा देंगे कुछ, मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा ये यामाहा का है। तो फिर ये एक यहाँ पे लगेगा और एक दूसरा यहाँ पे लगेगा, हमारे इस साइड पे लगेगा, इस साइड पे हमारा दूसरा लग जाएगा। तो फिर चलिए फिर चलते हैं, भैया को बुलाते हैं। अपना बाइक को डेमोस्ट्रेशन तो हमारा नहीं है, डेमोस्ट्रेशन तो अपना पैरा स्टैंड इसमें लगाएंगे, अभी पैरा स्टैंड लगा के फिर दिखाते हैं इसको कैसे लगाएंगे क्या, फिर कैसे फिट करेंगे क्या। तो फिर थोड़ा रख देते हैं, भैया थोड़ा हमारे बिजी है वहाँ पे, दूसरे बाइक में थोड़ा बिजी है भैया हमारे वहाँ पे, तो बुलाते हैं भैया को। भैया आ चुके हैं हमारे बाइक को देखने के लिए, तो बोल रहे अभी एक्सिल नहीं लगेगा क्योंकि एक्सिल थोड़ा छोटा है बोल रहे हैं, तो दूसरा एक्सिल है यहाँ पे इसके पास। तो भैया बोल रहे ये एक्सट्रीम का एक्सिल है, इसको फिट करेंगे अभी, अगर हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं फिर, अगर ये हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर खत्म गया। फाइनली अभी लगा रहे हैं पैरा स्टैंड लगा रहे हैं बाइक पे अपना भैया, फाइनली हमने अपना लगा दिया अपना पैरा स्टैंड ये रहा। तो फिर अभी देख रहे हैं एक्सिल को अपनी साइज़ उसको देख रहे हैं, अभी लगेगा नहीं लगेगा इसमें देख रहे हैं अभी। भैया गया है, ये हमारा भैया है टिक्की भैया। वाह क्या स्माइल है। तो अभी इसको निकाल रहे हैं, देख रहे हैं एक्सिल लगेगा नहीं लगेगा। इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अगर किसी को भी चाहिए अपने यामाहा बाइक या R15 हो या MT में किसी को लगवाना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा इसका, तो वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और किसी को आप NS में लगाना है तो भी आप यहाँ इसको परचेस कर सकते हैं, बस आपका थोड़ा एक्सिल का थोड़ा कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा एक्सिल इसका छोटा आता है। अगर बड़ा एक्सिल हुआ तो किसी का तो टेंशन नहीं है कुछ, अगर छोटा है थोड़ा एक्सिल तो प्रॉब्लम होगा। और इसको आप RS में भी लगा सकते हैं, किसी बाइक में लगा सकते हैं इसको, और या यामाहा का तो लोगो है पहले से ही, तो ये यामाहा का लगेगा। और किसी और बाइक में लगा तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, आप चाहे तो इसको रख भी सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। पहले इसको निकाल दिया अपने एक्सिल को यहाँ से, तो देखिए ये हमारा NS का एक्सिल है रियल वाला, और ये हमारा एक्सट्रीम का है, ये थोड़ा लंबा है इसमें, तो अभी इसको लगाएंगे अंदर, जा रहे कि नहीं देखते हैं, थोड़ा छोटा था तो अभी इसको यहाँ पर फिट करेंगे। सो अभी इसको लगा रहे हैं अंदर, तो अभी इसको ये हमारा है अपना एक्सट्रीम 200 का एक्सिल लगा गया इसमें, तो फिट है ये लगने में। अभी ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमारा ये जो फॉक्स लैडर है, इसको का जो होल है थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, अभी थोड़ा ठीक से नहीं लग रहा है अंदर इसका, ये छोटा सा होल है इधर पीछे, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब इस एक्सिल में तो एक्सिल थोड़ा मतलब बड़ा हो जा रहा है और होल थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसे मतलब घिस के थोड़ा बड़ा करेंगे इसका, मतलब ये होल है इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे इसमें घिसके थोड़ा। तो वहाँ पर जाके हम जुगाड़ पे यहाँ पे रख दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा तो नहीं है डबल स्टैंड, तो आगे का नहीं उठा, तो इसलिए क्या करें जो डिक्की क्या करें बैंक पाई के नीचे दे दिया, और नीचे पैर स्टैंड लगा हमारा, और आगे हमारा एक्सिल खोल लेते हैं। तो भैया अभी इसको कर रहे हैं होल को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, इसका होल को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर रहे हैं, इसको हमारे सैंड पेपर थोड़ा ला लिए इसको।
तो हमारा ये ड्रिल मशीन है, इसमें क्या कर रहे हैं अपना सैंड पेपर को ऐसे उसका जो पिन होता है उधर ऐसे घुसा दे रहे हैं, उसको क्या करें यहाँ से ऐसे ड्रिल मतलब ड्रिल के जैसे थोड़ा करेंगे तो उसको जो होल है क्या हो रहा है वो घिस घिस थोड़ा बड़ा हो जा रहा है होल अपना। तो दूसरे वाला है ये, वो पहले वाला हो चुका है, अब ये दूसरे वाला है। गाइस हमारा आगे ये हमारा है कालिया भैया, अभी ये हमारा गाड़ी को देखेंगे अभी। क्या बोलते हो काली भैया? गजब बेइज्जती है। तो ऊपर स्वैग से आ रहा है भैया हमारे, हमारा हो गया अभी। तो अभी देख रहे हैं इसको उसके अंदर। तो ये हमारा एक हो गया, अभी दूसरे साइड का देखेंगे। तो अभी इसको लगा रहे हैं इसमें, ये हमारा इस साइड का फिटिंग हो गया, अभी दूसरे साइड का देख रहे हैं उसको अंदर घुसा रहे हैं अभी। तो फाइनली हमारा लग गया यहाँ से, अभी दूसरे साइड का देखते हैं फिर लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारा दूसरे साइड के भी अभी लग गया। ये हमारा जो एक्सल है ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है यहाँ से, तो इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा यहाँ से, इसको यहाँ से कट करके या जो यहाँ पे जो थ्रेड है इसको यहाँ पे अभी बनाना पड़ेगा लेथ में अभी। तो अभी जाएंगे थोड़ा वेल्डिंग दुकान पे, उसको थोड़ा जुगाड़ करके आएंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पे लग रहा है तो ये वहाँ से इतना निकल जा रहा है बाहर तो नहीं हो रहा है। तो फिर चलिए फिर चलते हैं अपन लेथ में, उसको करा के आएंगे फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वेल्डिंग के दुकान पे थोड़ा काम से। तो ये हमारा अभी के लिए साथी है हमारा, हम इसको अभी राइड कर रहे हैं पेप स्कूटी को, तो इससे जा रहे हैं अभी। आगे इसको करके इसको अंदर घुसा, ये कर लिया मैंने इसको ले जाके उसका वॉक करके अभी आए हैं फिर। तो अभी वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था तो उसको फिर से थोड़ा छोटा कर रहे हैं अभी। तो हमारे फाइनल लग गया अभी, और दूसरे तरफ साइड लग गया हमारा दोनों तरफ, इस साइड भी लग गया और इस साइड भी लग गया हमारा दोनों तरफ लग गया अभी। तो इसका स्पेशली काम क्या होता है, अगर कहीं बाइक वाइक क्रॉस हो गया कुछ भी हुआ तो क्या होगा, हमारे सकब है इसको बैंड करने को नहीं देगा, तो जितना भी लोड होगा ये सहलेगा यहाँ पे, ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा ये हमारा। और तो हमारे अभी ये लग गया, तो अभी इसको लगा के घर चले जाएंगे, और जिसको बस टाइट करना है टाइट करके फिर निकल लेंगे घर के लिए। और इसको ये लगा रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं अभी, और ये दूसरी तरफ लगा रहे हैं, ये फाइन लग गया। उसके बाद बस एक केप लगा देना है, फाइनली टाइट हो गया अभी ये। अब इसको वहाँ पे इसको उसका ढक्कन लगा रहे हैं दोनों तरफ, तो हमारे फाइनल लग गया। और एलोय व्हील का हालत थोड़ा देख लो, तो ये अपना फुली टाइट हो गया अभी ये, कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है अभी। तो अपना ये हो गया, फिर अभी चलते हैं फिर घर चलेंगे अभी। तो अभी आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करके बताना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आके सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट कर देना अच्छा सा, और नीचे बेल आइकन है उसको ऑन कर देना। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।